नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएससी अड्डा पर। जैसा कि मैंने आज आपको प्रश्न दिया था, ये हमारा प्रश्न था कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लेकर भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, उसका उल्लेख हमें करना था। ये मैंने आपको दिया था 200 में, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में चूक गया हूँ, तो ये हमें 200 वर्ड्स में से कवर करना था। जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से 200 शब्दों में अधिकतम 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि इसको मैंने सभी प्रकार से कवर किया, ये 3 नंबर में भी आए या अलग अलग भी आए, तो आप इसे दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप अच्छे से बढ़िया तरीके से और डायग्राम के साथ कैसा बना सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करने में जरा भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए प्रोत्साहन होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर हमेशा एक तरह हम पहले कुछ जो रूपरेखा है यानी कि भूमिका है वो लिख देते हैं। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद ही आप उत्तर लिखना शुरू करें। लिखा है यहाँ पर कि भारत में सहभागी और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हेतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगरी स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों अलग अलग है। पंचायती राज जो है सिर्फ 73वें वाले संविधान संशोधन को कहते हैं, और 74वां है वह नगरी स्थानीय स्वशासन से, ना। हालांकि दोनों ही स्थानीय स्वशासन से है, लेकिन 73 वाला ग्रामीण क्षेत्र से है, जबकि 74 वाला जो है 74 अमेंडमेंट वो है आपके नगर क्षेत्र में। तो पंचायती राज सिर्फ ग्राम वाले को कहते हैं, दोनों को आप पंचायती राज में मत जोड़िएगा, ये बात भी आप साथ में याद रखिएगा। 200 में लिखना है तो हमें सीधे ही बात करना पड़ेगी, तो हम एक एक करके पहले 73 में क्या प्रावधान है वो देखेंगे, देन उसके बाद में 74 में क्या प्रावधान दे रखे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहले में जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले तो आप यहाँ पर एक बढ़िया सा डायग्राम जरूर बनाएं, और ऐसा बनाना भी पड़ेगा ताकि आप जो परीक्षा के उसे अच्छे समझा सके। तो जो है ये आपका पूरा पंचायती राज, जिसमें ग्राम पंचायत सबसे नीचे होता है, देन उसके ऊपर जनपद और जिला पंचायत। हालांकि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में नाम है इनके, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में इनके नाम अलग अलग मिलते हैं। जैसे कर्नाटक में इसे तालुका कहते हैं या जिला मंडल आता है, तो ये अलग अलग हो सकता है। हालांकि हम एमपीपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो हमें उसी संदर्भ में नाम लिखना रहेगा। और यहाँ पर ये कि 1000 से 5000 की जनसंख्या में ग्राम पंचायत बनती है, फिर 5000 से 50000 तक उसके ऊपर जनपद पंचायत होती है और जिला पंचायत होती है। एक बात खासकर आप ये भी ध्यान रखें यहाँ पर कि ये इसके ऊपर होता है जिला पंचायत के अधीन जनपद, और जनपद के अधीन ग्राम पंचायत होता है। और यहाँ पर लिख भी दिया हमने कि ये जनसंख्या के आधार पर है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, प्रावधान है, उन्हें हम सीधा लिख देंगे ताकि परीक्षा को सीधा समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज कि इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई, तो ये आपको जरूरी बताना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में भाग जो 9 था वो पहले डिलीट कर दिया गया था, और फिर भाग 9 को पुनः जीवित किया गया, तब वह 1992-93 किया गया इसी स्थानीय स्वशासन के माध्यम से। उसके बाद में दूसरा है कि यह ग्रामीण क्षेत्र के स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करता है। तो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था, यानी कि भाई ग्राम, जनपद और जिला, है ना। हालांकि त्रिस्तरीय किसने दिया है ना, इससे पहले बहुत सारी समितियां बनी, उसकी हमें चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास शब्द इतने हैं नहीं, और जो आपसे पूछा है सिर्फ सटीक वही लिखे हैं, है ना। तीसरा है कि इसके अंतर्गत पंचायत को 29 विषय प्रदान किए गए, तो ये जरूर याद रखिएगा, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा कि 29 विषय इन्हें मिले हुए जिस पर वो काम करते हैं। चौथा कि हालांकि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर द्विस्तरीय व्यवस्था प्रदान की गई है, यानी कि वैसे राज्य जैसे सिक्किम, गोवा, मणिपुर, तो वहां पर क्या है कि ग्राम है और ग्राम के ऊपर सीधा जिला पंचायत, बीच में जनपद पंचायत का रोल रखा नहीं है। हालांकि वह उस राज्य पर निर्भर करता है, वह चाहे तो उसे बना भी सकता है। पांचवा है कि 1993 में लागू हुई इस व्यवस्था के पश्चात मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चुनाव हुए। तो फिर आपको मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो ये बात थोड़ी लिखना आवश्यक हो जाती है। उसके बाद में छठा और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि पंचायत का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। देखिए, लिखने को पॉइंट तो बहुत सारे हैं, पंचायत राज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर आपको 200 में लिखना है तो आप सोचेंगे बहुत सारी चीजें नहीं बताइए, तो खास खास ही आपको प्रावधान करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, क्योंकि आपको भी 74वां संविधान संशोधन भी बताना है, फिर दोनों के बारे में चर्चा भी करनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर जो खास खास बातें थी उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमारी बारी आती है 74वें संविधान संशोधन को लेकर क्या प्रावधान है। देखिए, इसका डायग्राम आप उसके डायग्राम जैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि तीनों में अलग अलग काम करता है, कोई किसी के अधीन नहीं होता है ना। जैसे कि कम आबादी हो जहां पर 10000 से 20000,
वहां पर नगर परिषद होती है। नगर पालिका जहां पर जनसंख्या 20,000 से 3 लाख के बीच हो वहां पर नगर पालिका बनती है, और नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर बनता है। ये इसमें एक दूसरे के अधीन नहीं होते, वहां पर एक दूसरे के अधीन होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने का फर्क भी आप जरूर ध्यान रखें, ये आपको बनाना रहेगा। अब इसमें क्या प्रावधान दे रखे हैं तो वो हम फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें पहली चीज भाई कि इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 क और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद रखिएगा 9 क है ना, 10वां भाग नहीं है, वो तो अलग रिलेट करेगा, तो इस बात का खास आप ध्यान रखें। दूसरा है कि इसके तहत नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई, जैसे वहां पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था, यहाँ पर नगरी है। तीसरा है कि नगरों में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के अतिरिक्त प्रशासन समितियों की स्थापना भी की गई है। यहाँ पर है कि अगर स्पेशल यहाँ पर समितियां भी बनती हैं तो यहाँ पर समितियों का नाम ना लिखते हुए, जैसे जो नगरी समितियां होती हैं जो नगर में सुधार हेतु काम करती है, वो भी जो 74 संविधान संशोधन है उसमें लिखा गया था। और एक बात ये भी याद रखें कि 92 में दोनों पारित हुए थे और 93 में केंद्र स्तर पर लागू हो गया था। 93 के बाद साल भर के अंतर्गत सभी जितने भी राज्य थे उनको अपने यहाँ पर कानून पारित करना था, तो 94 में लगभग लगभग सभी राज्यों ने कर दिया था। उसके बाद चौथा है कि साथ ही अतिरिक्त निकायों हेतु अन्य व्यवस्था है, जैसे कि नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी परिषद, पत्तन परिषद। देखिए नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, लेकिन कुछ इलाकों में स्पेशल प्रबंधन के लिए वहां पर ये नाम दिए गए। नोटिफाइड एरिया कमेटी, जैसे मैं आपसे चर्चा करूं कि कुछ औद्योगिक इलाके हो, जैसे कि पीथमपुर तो अभी तहसील बन गया, फिलहाल एमपी की बात कर रहा हूँ, इंदौर के पास पीथमपुर है, लेकिन पीथमपुर जैसे इलाके हो गए जो इंडस्ट्रियल इलाके होते हैं, या जैसे हम भीलवाड़ा की बात करें, तो शुरुआत में अगर ऐसे इलाके जो शहर से थोड़ा अलग हो लेकिन उसी शहर के अंतर्गत आता है, तो वहां पर नियंत्रण हेतु ये वहां की नगर पालिका, नगर निगम बना सकता है। देन उसके अलावा टाउन एरिया कमेटी किसी कस्बे के लिए स्पेशल अलग से बनाया जा सकता है, जो इन तीनों के अधीन ना आता हो, जनसंख्या भी थोड़ी मैनेज ना हो पा रही हो। इसके अलावा छावनी परिषद, तो जैसे कि महू छावनी है ना, और नीमच भी कभी छावनी हुआ करता था, तो यहाँ पर प्रशासन के लिए जहां पर सैन्य कैंप हो वहां पर उस प्रशासन पे नियंत्रण के लिए छावनी परिषद निर्मित है, जहां पर जो सेना के या जो अर्धसैनिक बल होते हैं, अर्धसैनिक बल के जो जवान है वही उसमें चुने जाते हैं। और पत्तन परिषद, तो जैसे कि जो भी बंदरगाह वाले इलाके हैं, जैसे कि कर्नाटक में या तमिलनाडु में बंदरगाह है या मुंबई में बंदरगाह है, जो भी बंदरगाह है वहां पर नियंत्रण हेतु छावनी परिषद जो है उसका निर्माण कर सकते हैं 74 संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर 73वें और 74वें दोनों की चर्चा कर ली, लेकिन दोनों में मिली जुली में जो बात है वो कंक्लूजन के रूप में लास्ट में लिखी है, इन दोनों के प्रावधान में हमने नहीं लिखी थी। वो ये है कि दोनों संविधान संशोधन के साथ ही राज्यों में चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग और वित्त वितरण हेतु वित्त आयोग की स्थापना की गई, मतलब करने का निर्देश राज्यों को दिया गया। तो वित्त आयोग और चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये बहुत लेट हुई थी और सब राज्यों में अलग अलग है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो चुनाव है वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और वित्त प्रत्येक राज्य का अपना वित्तीय आयोग भी होता है। तो ये सब 95 के आसपास बने हैं, सब राज्यों के अपने अलग अलग ईयर है, मध्य प्रदेश में तो 1995 बन गए थे। अब इसके बाद में लास्ट में उपसंहार कि स्थानीय स्वशासन में सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो, इस हेतु महिला एवं SC/ST वर्ग को सीटों का आरक्षण भी प्रदान किया गया है, जिसमें लागू करना राज्य के अधीन। तो वहां पर तो 33% आरक्षण की बात करी गई है, हालांकि मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण 50% कर रखा है, हिमाचल प्रदेश और बिहार ने भी कर रखा है, उससे कम ज्यादा करना और आरक्षण बनाना ये राज्यों के हाथ में। लेकिन फाइनली हम एक कंक्लूजन लिख देते हैं यहाँ पर अंत के रूप में, किंतु स्थानीय स्वशासन में लैंगिक असमानता, वित्त समस्या, नौकरशाहों की कमी आज भी विद्यमान है, जो इसके शासन पर दाग के समान। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि ग्राम में महिला सरपंच तो होती है, लेकिन एक्चुअल में जो पूरा शासन चला रहा होता है वहां का वह उसका पति चला रहा होता है, तो महिला के नाम से सीटें भले जीती जाती है। दूसरा वित्त समस्या, तो ग्रामीण में आज भी आगे से जनपद या जिला पंचायत से फंड अवेलेबल नहीं होता है, और नौकरशाहों की कमी, यानी कि अधिकारी नहीं होते इनके पास में अपने खुद के, एक्चुअल में ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही अधिकारी सचिव होता है, इसके अलावा कोई ज्यादा अधिकारी इनके पास होते नहीं है अच्छे कार्य के लिए। तो साथियों ये जो हमारा था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, MPPSC का कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, शायद ऐसा कोई सा पेपर होगा 2014 के बाद जिसमें ये ना पूछा हो, तो इसलिए इस आंसर को आप जरूर और अच्छे से और इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो साथियों मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी से अलविदा लेता हूँ, धन्यवाद।